ਨਿਤ ਸਫਰ ਤੇਰਾ ਅੰਜਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਅਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਸੋਹਣਾ ਸਾਮੋਲਾ ਹੋ ਵਤਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਮੇਜਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ जवानों के पुरजोर इसरार पर मेजर अजीज भट्टी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वह स्टेज पर तशरीफ लाकर माउथ ऑर्गन से कोई धुन पेश करें। तो कहा था मलिक साहब से कि आप ये मकान ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। आपने कुछ लिया नहीं? मैंने बस बहुत ले लिया। आप ये बताइए इकबाल का क्या हाल है? इकबाल बिल्कुल ठीक ठाक सोया हुआ है वो। अच्छा, बुखार उतर गया? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब, मुझे असल में किचन का सारा काम भी। नहीं, आप अभी तो आई है। नहीं, इस तरह है ना कि मैंने सारा घर का काम छोड़ के मैं आई थी, बस पूछने आई थी खास तौर। मेरा मतलब है आप कुछ खाना वाना खा के जाइए। नहीं, मैं जाऊंगी किसी दिन, आप अब जरूर आइए। जी मैं जरूर, मेरे साहब के साथ जरूर आना। अच्छा, हाँ दिलशाद, क्या खबरें आगे की? सर माइंस आगे भेज दी गई हैं। अच्छा, और जैसा कि आपने कहा था फॉरवर्ड कंपनी से गर्म खाना दिया जा रहा है। अच्छा, एनीथिंग एल्स? सर आई होप आपको पता होगा मुझे भट्टी के यहाँ बैठा हुआ है। कब? तो उसे तो एक हफ्ता हो चुका है। अच्छा, मुझे नहीं बताया। आई थॉट यू न्यू इट। नहीं नहीं, भट्टी क्या हाल है? फाइन सर। सुने आपके यहाँ बैठा हुआ है भाई, मुबारक हो। थैंक यू सर। तो मिठाई किधर है? सर जल्दी आ रही है। छुट्टी नहीं गए? नहीं सर, ये रन ऑफ कच्छ का प्रॉब्लम जरा सेटल हो जाए तो फिर चला जाऊंगा। इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगे अभी, मेरे ख्याल आप एक घर का चक्कर लगाई है। राइट सर। यस सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डू यू नो व्हाई आई हैव कॉल्ड यू? Yes, sir. No, sir. You issued a check to the mess. Sir. That is bounced back. Sir, darasal, I'm sorry, sir. It's a very serious offense. You can be court-martialed. Sir. आपको मालूम है फौज में आला किरदार और मॉरल वैल्यूज को कितनी अहमियत दी जाती है? सर, आई नो दैट सर। सर दरअसल पिछले महीने गेस्ट काफी आ गए थे, इसलिए खर्चा काफी हो गया सर। सर, आई क्लियर द मेस बिल सर। पे इट लेटर। आई हैव मेड द पेमेंट। एंड थैंक यू सर। I'm grateful, sir. Be careful in future. Sir, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। You may go now. अस्सलाम वालेकुम सर।
मैंने कहा मेरा बच्चों से मिलने को बड़ा दिल कर रहा है और खासकर नए आने वाले पोते से। तो जाने नहीं लाना, लाहौर कौन सा दूर है। अरे हम खुद न चले जाए, अब तो सुना है उनको नया मकान भी मिल गया है। बच्चे यहाँ आके ज्यादा खुश होते। हाँ ये तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा आ गया जी। बड़ी लंबी उम्र है, बहुत याद कर रहे थे। बहुत याद कर रहे थे, सब याद कर रहे थे। जी आप मुझे और बच्चों को अगर इतना ही याद करते हैं तो मेरे साथ लाहौर क्यों नहीं चले जाते। बस बेटा तेरी माँ ये घर छोड़ने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें सबकी खुशबू बसी हुई है, मैं कैसे छोड़ दूँ। बेजी अब तो घर भी नया मिल गया है। यहाँ तेरे हाथ के फूल खिले हैं, देखती तो सब सामने आ जाते हैं। बेजी ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए, आपको याद है चंद रोज पहले मेरी सालगिरह थी। हाँ हाँ पता है, उस रोज हमने तुम्हें बहुत याद किया। छुट्टियाँ थी तो सबको ले आते। बेजी छुट्टियाँ हैं तो सही, लेकिन किसी भी वक्त मनसूख हो सकती हैं। हाँ हाँ बेटा ठीक कहते हो, आजकल सरहदों पे हालात ठीक नहीं है। बेजी लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो बस आपकी दुआएं लेने आया था और जरा अपने फूलों को देखने। फूल तो ऐसे खिले हैं कि कभी खिले ना थे। मैं जरा देख लूं। तुम अभी तक जाग रहे हो। कहते हैं ना आधी रात की दुआओं में बहुत असर होता है, दुआएं आसमानों पर बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। ये तो दुआ दुआ पर कुन असर है बेटा, तुम्हें कैसी दुआ चाहिए। मुझे तो आपकी खिदमत का मौका ही नहीं मिलता। थोड़े से दिनों के लिए आता हूँ ना छुट्टी। मुझे खिदमत की जरूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास चली आऊंगी। आप मुझे कोई ऐसी दुआ दें। कैसी दुआ दें, सब कुछ तो है मेरे पास। अच्छा ऐसे करें, जो चीज मेरे पास नहीं है ना मेरे लिए उसकी दुआ